खबर चमोली से। 2013 के आपदा प्रभावितों का दर्द 7 सालों बाद भी नहीं भरे, ये दुखद खबर चमोली जिले से है। दशोली ब्लॉक के गोलीम गांव के बाजपुर में 2013 में भीषण आपदा के दौरान 8 से 10 परिवार बेघर हो गए थे, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से उन्हें प्राइमरी स्कूल कैलाशपुर में अस्थायी व्यवस्था हेतु ठहराया गया था। लेकिन वर्तमान समय तक उन्हें ना तो आपदा मद से किसी तरह की मदद मिल पाई और ना ही उनके लिए स्थायी व्यवस्था का इंतजाम आज हो पाया। 2013 की प्रलय को शायद ही कोई भूल पाया हो। बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया और कई लोगों का तो आज तक पता भी नहीं चला। लेकिन इस दौरान कई ऐसे लोग थे जो अपने के साथ तो थे लेकिन इस आपदा के दौरान बेघर हो गए थे। प्रशासन द्वारा आपातकालीन व्यवस्था हेतु इस तरह के आपदा प्रभावितों को पंचायत घरों और सरकारी स्कूलों में रहने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन आपदा के 7 साल बाद भी इन आपदा प्रभावितों के सामने अपने आशियानों को लेकर एक बड़ी चुनौती बनी है। आज हम बात कर रहे हैं चमोली जिले के गोलीम गांव के बाजपुर के कुछ परिवारों की, जहां पर प्राइमरी स्कूल कैलाशपुर में बाजपुर के 4 परिवारों को 2013 में आपदा के दौरान प्रशासन की तरफ से रहने के लिए जगह दी गई थी। आपदा के 7 साल बाद भी प्रभावितों को किसी भी तरह की स्थायी व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया गया, जिसके चलते आज भी आपदा प्रभावितों के आंसू इस कदर बह रहे हैं कि वो अपने घर आंगन में रहने की उम्मीद खोते जा रहे हैं। और हमारा घर पहले बाजपुर में था, अब यहाँ स्कूल में हमारा घर टूट गया। हमें बहुत याद आती है वहाँ की और यहाँ हम बहुत परेशानी से रहते हैं। कभी यहाँ बाघ आता है, कभी हम पानी की दिक्कत से रहते हैं यहाँ, और कभी यहाँ पानी नहीं आता, कभी यहाँ बाघ आता है, यहाँ पूरा पानी चूता रहता है छत से। बाजपुर में रह रहे हैं और हमारा घर टूट गया हो, आपदा से टूट गया है वहाँ। हमारे लिए यहाँ पे बहुत दिक्कत है और जंगली जानवर का भी डर है, और मेरे तो घर में कमाने वाले भी कोई नहीं है। मेरा हस्बैंड भी ख़त्म हो गया है और मेरे पास मकान भी कुछ नहीं है और काम करने का भी कोई जरिया नहीं है। और हम यहाँ 6-7 परिवार बहुत परेशान में रह रहे हैं, हमारे लिए कुछ व्यवस्था कर दो। मेरा नाम देवी सयाना है। हमारे गांव ये बाजपुर गांव है, ये 2013 से आपदा आ रहे, कुछ लोग ये स्कूल में व्यवस्था में रह रखे हैं, बहुत ही परेशानी में है और सारा भूस्खलन से बड़े बड़े मकान में दरार चली गई। हम बहुत परेशानी में है, जब बरसात आता तो हम रात भर सो नहीं पाते हैं, हमको बहुत डर है अभी क्या होता है, अभी क्या होता है, हम बहुत परेशानी में है। पहले भी कोई व्यवस्था होना चाहिए कहीं, मतलब सरकार के से ग्राम पंचायत से उनका व्यवस्था भी हो। यहाँ पर तो जो 5 परिवार हैं खासतौर से, उनका तो 2013 से पूरी मकाने धंस गई है, आप देख ही रहे हैं। और ये प्राथमिक विद्यालय बाजपुर में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि सरकार इस ओर ध्यान दें और इनको तुरंत सुरक्षित स्थान पर इनकी आवास व्यवस्था एवं शैक्षिक जितनी भी इनके लिए सुख सुविधाएं हैं उनके लिए व्यवस्था करें। जी आप लोग यहाँ पर? यहाँ बाजपुर। क्या हुआ? वो आपदा के कारण हमारा घर टूट गया। वो ना हमारा घर टूट गया तो पहले यहाँ जिया और नहीं रहते थे, अब यहाँ रहने लग गए। तब हम भी आए यहाँ से, तब वहाँ रहने लग गए। याद नहीं आती आपको उधर? हाँ, बहुत आती है। और वहाँ बाढ़ आया ना, मेरे पापा ने डिग्गी तोड़ दी ना वहाँ की, और तब वहाँ उधर आता है पानी है ना, रात को तो पत्थर गिर रहे हैं हमारे सर में भाई। यहाँ तो हम सरकारी के उसमें रहे, 2013 से हम परेशान के परेशान है भाई। चलो खाने पीने का तो व्यवस्था कर ही ले रहा मजदूरी करके, पर रहने के लिए आप बोलो, रहने के लिए इतनी दिक्कत है, बता नहीं सकते। छोटे कमरे में वो वहीं पे खाना, इतना 4 लोग रहते, भेड़ बकरियों की तरह रह रहे वहाँ अंदर। सास वहीं पे, ससुर जी वहीं पे, हम सब साथ ही रहते हैं वहाँ पे। हम पे क्या गुजरती होगी आजकल के जनरेशन में, लोग एक कमरे में 2 इंसान नहीं रह पाते। हम तो भेड़ बकरियों की तरह तब भी जीवन व्यापन कर रहे हैं वहाँ, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। अभी तो हम पहले बोल रहे 2013 से हमारी बात किसी ने सुनी ही नहीं है। कितने चक्कर लगा दिए हमने DM के, आज हम आपकी फाइल भेज रखी, फिर फाइल वापस आ रही, फिर फाइल भेज रखी, वो कब तक फाइल घुमाते रहेंगे। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत के साथ सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।